मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। करने के लिए अपना घरेलू इलाज करने के लिए छोटे छोटे नुस्खे, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। आप सभी वो सुने, उनका उपयोग करें, दूसरों को बताएं और हमारे भारत की जनता, बेशतर जनता जो वो गरीबी में जीती है, जिनको राजीव जी तस्वीर लाए हैं। उसी क्षणों में एक बार आपके सामने भाई राजीव जी होंगे, तो मैं नारा बजाऊंगा, आप जोर से इसका जवाब देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रभारी दीपक जी, जिला उधमपुर की भारत स्वाभिमान की समिति के पदाधिकारी, तहसील मजालता के पदाधिकारी बहने भाई, आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सबको वंदन नमन। तो आज जिस चीज़ के लिए आप कहते थे कि भाई राजीव जी यहाँ उनको लाएं, आज आप सबको उनके मुखमंडल से ऐसे चीज़ें सुनने को मिलेंगी, फिर आप बार बार कहेंगे। लेकिन आज बारिश की वजह से सुबह अस्त व्यस्त हो गया, बहुत ज़बरदस्त बारिश यहाँ हुई, तो गिनती तो बहुत कम है। सबसे पहले हम भाई राजीव जी को, महात्मा राम भिक्षु जी को, भाई दीपक जी को और मनवाल की समिति, सतपाल जी, मक्खनलाल जी, इनसे रिक्वेस्ट है तो दीप प्रज्वलन करके प्रोग्राम का शुभारंभ करें, तब तक बत्ती भी आ जाएगी। भाई अरविंद जी से भी, डॉक्टर केसी शर्मा जो जिला की समिति है, उनसे भी हमारे शर्मा जी जिला समिति के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी दीप प्रज्वलन में साथ दें। जिला उधमपुर की समिति अभी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम भाई राजीव इस बरसात के शुभ आगमन पर सभी लोग आगे पौधों का और ज्यादा इस तरह से पौधे लगाएं और वातावरण को खुशगवार करें, और उनके साथ जिन लोगों ने दीप प्रज्वलन किया है वो भी उनका साथ देने के लिए वहां चले। ठीक है, लास्ट आखिर में करेंगे। तो अब हम, क्योंकि समय काफी निकल गया है, हम भाई
राजीव सिंह जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने उद्बोधन से जहां की जनता को अब इतराज करें। भाई राजीव जी, की सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधु, माताओं बहनों, सभी विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिलता है। ये भारत स्वाभिमान एक अभियान है और इस समय भारत के 680 जिलों में पहुंच गया है। अभियान इस अभियान में 240,000 योग शिक्षक काम कर रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा पदाधिकारी हैं और जुड़ने वाले। दो साल के बाद हमारे पास 13,40,000 योग शिक्षक हो जाएंगे, तब हम इस अभियान को गांव-गांव में पहुंचा पाएंगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि भारत के हर गांव में हमारे दो टीम से दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि भारत के हर व्यक्ति को निरोगी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, रोग मुक्त बनाना है, भारत के लोगों की जो बीमारियां हैं इनको दूर करना है। और दूसरा उद्देश्य इस अभियान का है कि भारत देश की जो बुराइयां हैं इनको ठीक करना है। भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, रिश्वतखोरी है, बहुत सारी बुराइयां हैं, शराब है, जुआ है, फिर हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे वैश्यावृत्ति है, ऐसी सभी बुराइयां देश की हमें दूर करनी है। तो देश की बुराइयां मिटें और भारत के हर नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी बीमारियां खत्म हो, इन्हीं दो उद्देश्यों के लिए ये भारत स्वाभिमान का अभियान। आप ये पूछेंगे कि हम चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की शिक्षा देकर उसको हम स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। योग, प्राणायाम और आयुर्वेद भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हजारों लाखों साल पुरानी है, और इस चिकित्सा पद्धति में खर्चा कुछ नहीं होता। योग प्राणायाम तो हम निशुल्क सीखते हैं और निशुल्क हम औरों को सिखा सकते हैं, कोई खर्चा नहीं, और योग प्राणायाम से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। कई बार जिन बीमारियों को एलोपैथी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति भी जिन बीमारियों को ठीक नहीं कर पाती, वो बीमारियां योग प्राणायाम से ठीक हो जाती, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर, डायबिटीज, जैसे व्याध, भगंदर, ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिनको अंग्रेजी चिकित्सा ठीक नहीं कर पाती, एलोपैथी में वो कभी ठीक नहीं होती, वो बीमारियां भी योग और इसी की मदद से इन बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भारत में इस समय बीमारियां बहुत बढ़ी हुई हैं लोगों की, और लोगों की बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा, 4-5 दिन पहले की बात है, बम्बई में वो एक ये है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बीमार लोग भारत में, हमारी आबादी है इस समय 120 करोड़ और बीमार लोगों की संख्या है 100 करोड़, 5,70,00,000 लोग तो भारत में डायबिटीज़ के बीमार हैं, माने डायबिटीज़ के रोगी हैं, 4,80,00,000 लोग हृदय रोग, हार्ट की डिसीज से जो, 12 करोड़ भारतवासियों को आँखों के रोग हैं, कम दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, आँखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, रात में नहीं दिखता कुछ लोगों को दिन में नहीं दिखता, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, छाती के रोग हैं, करीब 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, 20 करोड़ भारतवासियों को हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई है, और 10 करोड़ लोगों का बीपी लो है, 23 करोड़ भारतवासियों को हर समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये जो सामान्य बीमारियां हैं ये होती रहती हैं, रेशा गिरना, नज़ला होना, 23 करोड़ लोगों को,
ऐसे कुल मिला के लगभग 100 करोड़ है। कई बीमारियों का तो मैंने आपको बताया नहीं, जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं हमारे देश में, अवसाद से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, वो 4.5 करोड़ लोग हैं। बहुत खराब हाल है भारत का। हमारे घर में इतनी सारी बीमारियां कहाँ से आ गई, ये गंभीर प्रश्न है। मैंने इस विषय पे थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि हम थोड़े दिन पहले तक बहुत स्वस्थ थे। जब आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में सिर्फ 5 करोड़ लोग बीमार थे। हमारी सरकार ने 1952 में भारत देश का एक सर्वेक्षण कराया था, जिसको जनगणना भी कहते हैं आप। उसमें पता चला था कि 33 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ लोग बीमार हैं। अब आबादी 120 करोड़ की है और बीमार लोग 100 करोड़ हो गए। आबादी हमारी 4 गुनी बढ़ी है और बीमारी हमारी 20 गुनी बढ़ चुकी है। और हैरानी इस बात पे होती है कि भारत आज़ाद हुआ तब बहुत कम डॉक्टर्स थे पूरे देश में, अब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले भारत में आज़ादी के समय मुश्किल से 5,000 डॉक्टर्स थे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, अब डॉक्टर 18 लाख हैं पूरे देश में। तो डॉक्टर बहुत हो गए हैं, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, बीमारियां और बढ़ गई। आज़ादी जब आई थी तो सिर्फ 70 दवाएं थीं भारत में जो मिलती थी, अब आज़ादी के बाद 84,000 दवाएं हैं, तो बीमारी तो और कम होनी चाहिए। पहले दवाएं कम थीं तो लोग कम बीमार थे, अब दवाएं ज़्यादा हैं तो लोग ज़्यादा बीमार हैं। पहले हॉस्पिटल्स कम थे हमारे यहाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो कहीं नहीं था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहीं नहीं था भारत में। कुछ बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल होते थे, अब हॉस्पिटल हज़ारों की संख्या में है। फिर बीमारी इतनी क्यों होनी चाहिए, इस विषय पर मैंने थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि ज़्यादातर बीमारियां तो पिछले 50-60 साल में हमारी अपनी गलतियों से आई हैं। हमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे हम बीमार पड़े। हम कई काम ऐसा मानते हैं कि हमने तरक्की के लिए किए हैं, लेकिन उन्हीं कामों ने हमको बीमार कर दिया। विकास के लिए, तरक्की के लिए हमने जो काम किए अपने घर में, परिवार में, और जो परिवर्तन किया हमने, उसी ने हमको बहुत बीमार बनाया। मैंने देखा कि 40-50 साल में हमारे घरों में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया रसोई में। हमारी जो किचन है जहाँ पर हम भोजन बनाते हैं, ये बहुत बदल गया और इसने हमारी बीमारियों को बढ़ा दिया। हमारे देश में आयुर्वेद में सारे के सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो ये कहते हैं कि हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलती से बीमार पड़ता है, बाहर की गलतियों से तो बीमारियां बहुत कम आती हैं। अगर मान लें कुल बीमारियां हमारे शरीर में 100 हैं, मान लें हम, तो इसमें से 90 बीमारियां हमारी गलती से आती हैं। सिर्फ 10 बीमारियां हैं जो बाहर वालों की गलती से आती हैं, उनको हम वायरल डिसीज़ कहते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ कहते हैं। वायरस और बैक्टीरिया बाहर हैं, शरीर के अंदर नहीं है, वो प्रवेश करते हैं तब बीमारी आती है। तो वायरस और बैक्टीरिया से आने वाली बीमारियां सिर्फ 10% हैं और 90% बीमारियां हमारे खुद की गलती से आती हैं। और हम अगर गलतियां करना कम कर दें अपने जीवन में तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मैंने आयुर्वेद का पिछले 20 साल बहुत अभ्यास किया और ये समझने की कोशिश की कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के हिसाब से हम कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके कारण इतनी बीमारियां आ रही हैं। तो मैंने देखा तो हमारे रसोई में हमने कई ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिसके कारण हम बीमार हैं। तो मैं आपसे निवेदन ये करने आया हूं कि आप उन गलतियों को ठीक कर लो तो आपकी बीमारियां बहुत कम हो जाए, नहीं तो बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। हमको ये जानकर बहुत दुख होगा कि एलोपैथी और अंग्रेजी दवाओं के आधार पर हम जो कोशिश कर रहे हैं बीमारियों के ठीक होने की,
एक भी बीमारी ठीक नहीं होती एलोपैथी। एलोपैथी चिकित्सा एक तो ज्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 250 साल पुरानी है, और इस 250 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति में अभी पूरा रिसर्च नहीं हो पाया, पूरी शोध नहीं हो पाई, क्योंकि चिकित्सा में शोध करने के लिए हजारों साल खर्च होते हैं। तो एलोपैथी चिकित्सा में जो दवाएं बनती हैं ना, वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे बनती है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, दवा दे के देखो, गलती करो, फिर सीखो, फिर दवा दे के देखो, फिर गलती करो, फिर सीखो, फिर दवा दे के देखो, फिर गलती करो, फिर सीखो। माने ये तीर और तुक्के वाली कहानी है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। सारी एलोपैथी की चिकित्सा इसी पे निर्भर है। ये गोली दे के देखो ठीक हुआ तो अच्छा, नहीं तो ये दे के देखो। इंसान के बनाए हुए रसायन सभी गड़बड़, क्योंकि इंसान ही गड़बड़ है। इंसान जब काम करता है किसी प्रयोगशाला में, तो उसके काम करने के पीछे की प्रेरणा क्या है, इस पे निर्भर करेगा कि दवा क्या बनने वाली है। अगर वो पैसे के लालच में काम कर रहा है तो हमेशा दवा खराब बनने वाली है। स्वार्थ अगर उसके मन में है, लालच उसके मन में है, तो वो गड़बड़ होने ही वाला है। इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान ने बना दी है दवाएं, वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ईश्वर को किसी चीज का लालच नहीं, न पैसे का, न नाम का, न यश का, न कीर्ति का। ईश्वर के बनाए हुए जो केमिकल हैं, जिनके आधार पर हम दवाएं आयुर्वेद में खाते हैं, वो ज्यादा परफेक्ट हैं, ज्यादा अच्छे, उनके साइड इफेक्ट कम हैं, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं है ज्यादातर की, कीमत बहुत कम है, बहुत सस्ती है और आसानी से हर जगह उपलब्ध है। आप घर के बाहर ढूंढो तो आराम से 20-50-100 दवाएं मिल जाए। इसी मैदान में मैं आपको लेके घुमाना शुरू करूं तो कम से कम 50 दवाएं, और ये सारी दवाएं सबको मिली हुई है, ईश्वर ने सबको दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप पहचानो, इस्तेमाल करो, पहचानो, इस्तेमाल करो। आपके लिए भी है, जानवरों के लिए भी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप दवाओं पे भरोसा करो, उन पर जो भगवान ने बनाई। आयुर्वेद की दवाएं सारी भगवान की बनाई हुई, इसमें इंसान की कोई दखलंदाजी नहीं। और एलोपैथी की सारी दवाएं एक स्वार्थी और बेईमान आदमी की बनाई हुई हैं, जिसके मन में ही लालच है पैसा कमाना और कुछ नहीं करना। पूरी एलोपैथी की चिकित्सा पैसे पर आधारित है, पैसा, पैसा और पैसा। अब मैं आपको थोड़ी ठोस बात करूं, ये तो प्रतीकात्मक बात मैं कर रहा था। एलोपैथी में हम बहुत सारी दवाएं खाते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि वो जहर घोषित हो चुकी है। जैसे आप एस्प्रिन लेते हैं, डिस्प्रिन लेते हैं, नोवालजिन लेते हैं, एनालजिन लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन लेते हैं, बैरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन, बूटाजोन, क्विलोक्विनॉल, रेनिटिडीन, क्लोरम्फेनिकॉल, ऐसे में 84,000 नाम गिनाऊं आपको। ये सब वो दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो गई, कुछ दवाएं 50 साल पहले बंद हो गई, जहर घोषित की जा चुकी हैं जो दवाएं, वो भारत में बिक रही हैं। और हम सब उन्हीं दवाओं को खा खा के और ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जो दवा खिलाता है आपकी बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि एक बीमारी से दूसरी बीमारी पैदा हो रही है। मैं आपको, दवा है वोवेरॉन, ये अक्सर हमें खिलाई जाती है जब बुखार आता है, और कई बार शरीर दर्द है तो भी खिलाई जाती है ये दवा। आपको बड़ी आश्चर्य होगा, हैरानी होगी, दुनिया के 50 देशों में ये दवा बंद है 20 साल से। कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, बेल्जियम में, अमेरिका में भी अभी बंद हुई है। 50 देशों ने बंद कर दिया इस दवा को, क्योंकि इस दवा से गुर्दे खराब होते हैं। वोवेरॉन के 3 इंजेक्शन गलती से लग जाए किसी को एक दिन में, तो अगले दिन किडनी खराब होगी उसे।
भारत में लाखों मरीज हैं जो वोवेरॉन दवा के बाद अपने दोनों गुर्दे खराब करवा चुके, और गुर्दे खराब हो जाए ना तो फिर किसी गरीब आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अपना इलाज कराए, क्योंकि एक गुर्दा बदलने की कीमत 3.5 लाख रुपए है, दो गुर्दे बदलेंगे 7 लाख खर्च होगा, और अगर गुर्दे ना भी बदलेंगे तो डायलिसिस होगी आपकी, और डायलिसिस जो है ना गरीब आदमी के बस का खेल नहीं, बहुत महंगा पड़ता, बहुत खराब दवा है वो वोवेरॉन, आप कभी मत खाना इसको। एक और दवा का नाम बताता हूं, क्लोकिनोल एक दवा है, बहुत खिलाई जाती है भारत में, जब हमें डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, और ये दवा दस्त खत्म करने के साथ साथ आंतों में घाव कर देती है, और ये आंतों का घाव अगर आप ठीक नहीं कर पाए तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर कुछ भी हो सकता है, अंत में कैंसर भी हो सकता है, मर भी सकते हैं, इसलिए दुनिया के 80 देशों में ये क्लोकिनोल दवा बनी है, भारत में बिक रही। एक और दवा है क्लोरमफेनिकॉल, और उसके साथ एक दवा दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कॉम्बिनेशन में दी जाने वाली दवा है, दुनिया के 100 देशों में बनता है लेकिन भारत में बिक रही है धड़ल्ले से, हम सब ऐसी ही दवाएं खाकर ज्यादा बीमार हो रहे हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, हृदय खराब हो रहा है हमारा, तकलीफें तरह तरह की बढ़ रही हैं, त्वचा के बहुत सारे रोग हमें हो रहे हैं इन दवाओं के साइड इफेक्ट से। तो आप बोलोगे जी क्या करें, मैं आपसे ये निवेदन करने आया, ये फालतू की अंग्रेजी दवाएं आप मत खाओ, बहुत खराब। आप पूछोगे ये बिक क्यों रही हैं दवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिए बिक रही, सरकार के नेता बिके हुए हैं पैसे पे, दवा बेचने वाली जो कंपनियां हैं वो नेताओं को करोड़ों रुपए की रिश्वत देती हैं, तो नेताओं उनको लाइसेंस दे देते हैं कोई भी दवा बनाने का, जो दवा कहीं नहीं बन रही दुनिया में वो भारत में बन जाती है, और जब कंपनियां रिश्वत दे के लाइसेंस ले लेती हैं तो फिर वो रिश्वत दूसरी और किसी को देते हैं और दवा बिकवा लेते हैं, हमारे यहाँ के डॉक्टर भी रिश्वत लेके दवा लिखते हैं आजकल, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कमीशन खाते हैं कंपनियों से दवा लिखने के, अभी ईमानदार डॉक्टर तो मुश्किल से 1-2% ही बचे हैं इस देश में, और डॉक्टर को कई तरह से रिश्वत दी जाती है, जैसे उनको 5-स्टार होटलों में कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते हैं खूब जम के शराब पीने के लिए, खूब जम के नशा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए कंपनियां सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, फिर कई बार उनके बीवी बच्चों के साथ उनको स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाते हैं, हांगकॉन्ग ताइवान घुमाने ले जाते हैं, किसी डॉक्टर को कार दे दिया, किसी को रेफ्रिजरेटर दे दिया, किसी को मोटरसाइकिल मिल गई, किसी बेचारे सीधे साधे डॉक्टर को एक कैलेंडर ही मिल जाता कंपनी का, उतने में ही वो दवा लिखने लगता है, पेपर वेट दे दिया, एक कैलेंडर दे दिया, टेबल कैलेंडर दे दिया, वॉल कैलेंडर दे दिया, उतने में ही डॉक्टर बस खुश, लिख दी उसने दवा उस कंपनी की बिना सोचे समझे। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलता रहता हूँ और बहुत डॉक्टर्स मेरे माने दोस्त भी हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि तुम लोग ये जो नई नई दवाएं लिखते हो इसकी प्रेरणा क्या है, तो कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारी प्रेरणा है, माने अध्ययन नहीं है उस नई दवा का, क्या असर होगा क्या असर नहीं होगा, शरीर पर दुष्परिणाम करेगी नहीं करेगी, इन सब में डॉक्टरों को मजा नहीं आता, वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है दवा लेके उससे उनको ये पता करने में मजा आता है कि भाई कमीशन कितना है इस दवा, हम लिखेंगे तो कितना मिलेगा। बहुत सारे डॉक्टर को एक एक दवा पे 35% 30% 40% कमीशन, फिर वो जो बेचता है ना केमिस्ट उसको भी कमीशन, और ये कमीशन के धंधे में लग गए हैं सारी दवा कंपनियों में, उनको आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उनको पैसे बन रहे हैं, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसकी चिंता है। मैंने कुछ 20 दवा कंपनियों पे अध्ययन किया, एक फाइजर नाम की कंपनी है बहुत दवा बनाती है, एक जॉनसन एंड जॉनसन है, एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, एक रैकेट एंड कोलमैन है, एक पार्क डेविस है,
एक जर्मन रेमेडीज है, एक अपजॉन है, एक एबॉट लेबोरेटरीज है, एक एलिली है, ऐसी 20 कंपनियों पे मैंने अध्ययन किया तो मेरी आंखें फट गई। हैरान हो गया मैं कि एक एक दवा पर इन कंपनियों को 20,000% का मुनाफा है, एक एक दवा। इसका मतलब आप समझते हैं, कोई दवा 1 रुपए में बन रही है, मान लो जो टैबलेट आप खा रहे हो ना वो 1 रुपए में बन रही है और 200 रुपए में आपको बेची जा रही है, ये है मतलब 20,000% मुनाफा। 2 रुपए में दवा बन रही है, 400 में बेची जा रही है। 3 रुपए में इंजेक्शन बन रहा है, 600 रुपए में लगा रहा है डॉक्टर आपको वो इंजेक्शन। ये जो बोतल चढ़वाते हैं ना आप ग्लूकोज की, ये 3 रुपए 80 पैसे की बनती है, आपसे कितना लेता है डॉक्टर? 60, 70, 80, 90, 100 गांव में लेगा और शहर में 500, 700, 1000 कुछ भी ले सकता है, उसकी मर्जी पे है, वो जितना लूटे। बहुत बुरा हाल है देश का। माताएं तो बहुत ज्यादा फंसती हैं इस दुष्चक्र में। जब माताएं गर्भवती होती है ना तो डॉक्टर बिना ऑपरेशन बच्चा ही नहीं होने देता, जबकि 99% माताओं को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, वो होने नहीं देते, सीजरियन करते हैं क्योंकि पैसे चाहिए उनको। और जिस बच्चे को सीजर कर दिया उसको समय से पहले निकाल लेते हैं बाहर, अब बच्चा जिंदगी भर आधा पागल रहता है। जिस बच्चे को 7 महीने में निकाल लिया आपने, 8 महीने में निकाल लिया, वो तो मुश्किल ही करेगा, जीवन भर तकलीफ में रहेगा और मां भी तकलीफ में रहने वाली जीवन भर। बच्चे को मां के पेट में 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे रहना ही चाहिए, ये भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम, लेकिन 7 महीने में ही निकाल लेते हैं। बहुत तकलीफ है मां को भी बच्चे को। मैंने ऐसे लाखों बच्चे देखे हैं, हजारों लाखों मेंटली रिटार्डेड, क्योंकि 7 महीने में बाहर आए, 8 महीने में बाहर आए, 7.5 महीने में। और डॉक्टर कई बार पता है बेईमानी क्या करता है, मां के पेट से निकाल के मशीन में रख देगा इनक्यूबेटर में, क्योंकि पैसे बनाने हैं उसको। अरे भैया मां के ही शरीर में रहने दे उसके, मां के शरीर में रहेगा तो पैसे कैसे बनेंगे, बिल कैसे बनेगा? तो आप बोलेंगे क्या करें, मेरी बात मानो, बीमार मत पड़ो, और बीमार पड़ो तो बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, दवाओं से बचो। आप बोलोगे क्या करें तो परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं पहले तो बीमार मत पड़ो, तो अपने घर को ठीक कर लो, रसोई को ठीक कर लो तो बीमारी नहीं आएगी। हम हमारे जीवन में जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को ठीक करें तो बीमारी आती नहीं। आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति वात पित्त कफ 3 को अगर संतुलित रख ले तो ठीक रहेगा जीवन भर, इन्हीं की विकृति हो तो बीमारी आएगी। अब वात पित्त कफ को हम संतुलित रख लें तो हम जीवन भर निरोगी रहेंगे, ना दवा खानी पड़ेगी, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना फालतू इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ना ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, ना लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इस गरीब भारत का हर साल 7 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो जाता है बीमारियों के और दवाओं के चक्कर, और लोग बेचारे कर्जा लेके इलाज कराते, घर बेच के इलाज कराते, जमीन बेच के इलाज कराते। बहुत बुरा हाल है देश में। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने को ठीक रखो, स्वस्थ रखो, निरोगी रखो, बीमार मत पड़ो। अब आप बोलोगे जी क्या करें, छोटी छोटी 3-4 बातें ध्यान रखो, बहुत बीमारियों से बच जाओगे। हमारे शरीर में वात अगर विकृत हो जाए तो 80 बीमारियां आती हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द। पित्त विकृत हो जाए तो 40 बीमारियां आती, कफ विकृत हो तो 20 बीमारियां आती, माने वात पित्त कफ तीनों विकृत हो तो आदमी मरेगा, पक्की बात है। तो आप इनको ठीक रखो, वात को, पित्त को, कफ को। आप बोलोगे जी क्या करें, वात को ठीक रखने की सबसे अच्छी दवा है या सबसे अच्छा तरीका आयुर्वेद में बताया गया कि तेल शुद्ध खाओ, कभी भी वात ठीक रहेगा। तेल शुद्ध खाओ, शुद्ध तेल खाओ, शुद्ध तेल का मतलब समझते हैं,
कोल्हू से निकला हुआ तेल खाओ, कोल्हू है ना जिसमें से तेल निकालते हैं, उसका तेल खाओ, जिंदगी में बात कभी भी खराब नहीं होगी। आजकल जो तेल हम खाते हैं ना, ये बाजार से खरीदा हुआ तेल है, इसमें मिलावट बहुत है। बाजार से जो आप तेल खरीदते हो इसमें पामोलिन तेल मिलाते हैं, और पामोलिन तेल जहर है, शरीर कभी भी उसको पचा नहीं पाता। और भारत सरकार सारे तेलों में पामोलिन तेल मिलवा के ही बेचती है, बिकवाती है। सरकार ने नियम बना रखा है कि बिना मिलावट के तेल ही नहीं बेचा जाएगा तेल। तो जो भी बाजार से तेल लाओगे उसमें मिलावट है, वो मिलावट वाला तेल कभी हजम नहीं होगा, वो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर 80 रोग तो आने वाले। इसलिए तेल शुद्ध खाओ तो सारी बीमारी बात की खत्म हो जाती। अब आप बोलोगे शुद्ध तेल कहाँ से लाएंगे, यहीं इसी गांव में मिलेगा, एक कोल्हू लगवा लो या पुराना कोई कोल्हू चलता होगा तो उसको फिर जिंदा करा दो। कोई कोल्हू है यहाँ इस गांव में? है, बहुत अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया। तो जो पहले से चल रहा है कोल्हू उसमें अपना तेल निकलवाओ। तेल तो आप सरसों का ही खाते हो, तो अपनी सरसों लेके जाओ, उससे कहो कि तेल निकाल के दे दे, ये तेल खाओ एकदम शुद्ध, इससे बात के रोग आपके सब खत्म हो जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि बात के सारे रोग खत्म करने का सबसे आसान तरीका है तेल शुद्ध खाते रहो जीवन भर, तो ना घुटने दुखेंगे, ना कमर दुखेगी, ना कंधा दुखेगा, ना जोड़ों में दर्द आएगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना बीपी बढ़ेगा, ना हार्ट अटैक आएगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना पैरालिसिस होगा। 80 बीमारियों से आप बच गए, देखो कितना आसान उपाय आयुर्वेद का, तेल शुद्ध खाओ। आज से ही आप ऐसी व्यवस्था करो कि शुद्ध तेल अपना कोल्हू का निकलवा के लाओ। दूसरा आयुर्वेद का नियम है कि घी गाय का खाओ, माने गाय का दूध, देशी गाय का दूध, उसका बना के दही, दही को बना के मक्खन, और उस मक्खन को करके गरम, ये जो घी बना ये शुद्ध खाते रहो तो पित्त का कभी भी कोई रोग नहीं आता। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट में तेजाब बनना, जलन होना, यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब पित्त के बीमारियां हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं अगर आप घी शुद्ध खाते रहो, देशी गाय का घी। डालडा मत खाना कभी, सबसे खतरनाक है डालडा। ये भारत में जब से डालडा आया तभी से बीमारियां घुस गई घर घर। 20-25 साल पहले कोई डालडा नहीं खाता था क्योंकि बनता ही नहीं था। ये सरकार ने तरक्की और विकास के नाम पर डालडा बनवाना शुरू किया और हम भी मूर्ख लोग फंस गए उस डालडा के चक्कर में। अब डालडा की पूड़ी खाते हैं, डालडा की कचौड़ी खाते हैं, डालडा की मिठाई खाते हैं, डालडा की नमकीन। पूड़ी कचौड़ी बनानी है तो भी डालडा में मत बनाओ, तेल में बनाओ। तिल का तेल होता है ना, उसमें पूड़ी बहुत अच्छी बनती है, तिल के तेल में। आप बोलोगे जी देशी घी बड़ा महंगा है, मैंने बहुत इसका हिसाब निकाला है, डालडा और देशी घी बराबर ही है। कैसे बराबर है? डालडा में पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ तो बहुत खर्चा होता है घी का, और देशी घी में बनाओ उसके आधे में ही बन जाती है। और डालडा 120 रुपए किलो, देशी घी 250 रुपए किलो, कोई बहुत अंतर नहीं है, तो देशी घी में बनाओ। और जो आपके पास कैपेसिटी नहीं 250 रुपए किलो घी लाने की, तो मैं तो कह रहा हूँ 80 रुपए किलो का तिल का तेल आता है उसमें बनाओ पूड़ी कचौड़ी, बहुत अच्छी बनती। तिल के तेल की पूड़ी पूरे समय नरम रहती है, कभी भी वो कड़क नहीं होती, 2 दिन भी रखो तो नरम रहती। और तिल का तेल शुद्ध निकलवाओ ऐसे ही जैसे सरसों का निकलता है कोल्हू में, उसमें पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, और नहीं तो देशी घी खाओ, तो पित्त के सारे रोग आपके अपने आप ठीक होते रहेंगे। तेजाब नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, हाइपर एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा,
पेट में जलन नहीं होगी, छाती में जलन नहीं होगी, गले में जलन नहीं होगी, बहुत बीमारियों से बचोगे। तो दो उपाय मैंने बताए, एक तो शुद्ध तेल कोल्हू से निकाला हुआ और दूसरा शुद्ध घी, गाय का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो भैंस का। तीसरा नियम है चीनी मत खाओ तो कफ का कभी भी रोग नहीं आएगा। कफ के रोग आप जानते हैं क्या है? एक तो मोटापा, ये जो आजकल मोटापा बढ़ रहा है हमारे देश में, ये कफ की विकृति का रोग है। रेशा गिरता है नाक से, सर्दी होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, बलगम बनता है। अगर आप चीनी खाना छोड़ दो, गुड़ खाओ, गुड़ तो आपके यहाँ मिलता है ना, तो गुड़ खाया करो, चीनी बंद कर दो। चीनी छोड़ते ही कफ ठीक होता है, घासलेट और डालडा छोड़ते ही पित्त ठीक होता है, और रिफाइंड ऑयल तीनों हो गया संतुलित, तब बीमारी नहीं आएगी आप। और अगर आ गई है तो ऐसी ठीक हो जाएगी, करके देखो। मैंने सैकड़ों मरीजों पे ये एक्सपेरिमेंट किए, तब मैं आपको बता रहा हूँ। वात के मरीजों को मैं कोई दवा नहीं देता, मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूँ। तो बहुत मरीज आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी वात है, मैंने घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तो मैं उनको खाली गोलियां दे देता हूँ। आप जानते हैं होम्योपैथी में सफ़ेद सफ़ेद मीठी मीठी गोलियां आती, उसमें दवा नहीं डालता, ऐसे ही दे देता हूँ, लो खाओ दवा। तो मरीज को लगता मैं दवा खा रहा, वास्तव में वो दवा होती नहीं, वो तो मीठी गोली है। फिर मैं उसको कहता हूँ कि कुछ पथ्य है, और वो पथ्य मेरी असली दवा है। ये गोली तो ऐसे ही उसको बुलावे में रखने के लिए खिलाता हूँ, नहीं तो मरीज मानता ही नहीं, कहता मुझे दवा चाहिए जी। दिमाग ऐसा उल्टा हो गया है, बोतल चढ़ाओ जी, जरूरत नहीं फिर भी चढ़ा दो, इंजेक्शन लगा दो, संतोष ही नहीं होता मरीज को। तो खाली गोली दे देता हूँ कि ये खाते रहो, चार चार गोली सुबह दोपहर शाम। फिर उनसे कहता हूँ कि पथ्य ये है कि शुद्ध तेल खाना है, घर में शुद्ध तेल की व्यवस्था करो। अब वो खाने लगता है, चार छः महीने बाद उसका कोलेस्ट्रॉल चेक कराता हूँ, नॉर्मल आता है, शुद्ध तेल खाते, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आता है। और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हुआ तो फिर सब ठीक होने ही वाला है, हृदय की हर बीमारी ठीक होगी। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए तो शुगर भी ठीक होगी, डायबिटीज भी ठीक होगा। मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया कि तेल में है क्या ऐसा, शुद्ध तेल में क्या है। तो शुद्ध तेल की जो चिकनाई है उसमें प्रोटीन कंटेंट है, और ये मिलावट वाला तेल जब आता है ना तो उसकी चिकनाई कम हो जाती है, वो ही सारी गड़बड़ शुरू करता है। सैकड़ों मरीज ठीक हुए हैं मेरे, खाली मैंने उनको तेल शुद्ध करा दिया, इसी में ठीक हो जाते। तब से मैंने ये नियम बना लिया कि सबको बोलूंगा शुद्ध तेल खाओ। मैं 20 साल से शुद्ध तेल खाता हूं अपने घर में, और 20 साल में एक दिन भी कभी हॉस्पिटल में नहीं गया। आप भी खाओगे तो आप भी ठीक रहोगे। माताओं को बड़ी गलतफहमी है कि तेल शुद्ध है ना तो चिकनाई ज्यादा है, चिकनाई वाला ही तेल होता है, बिना चिकनाई का तो पानी है, वो तो तेल कहाँ है। और चिकनाई जो है ना वो सब प्रोटीन है, वो कोई फैट नहीं है, प्रोटीन है वो तेल का, वो बहुत जरूरी है शरीर। वो चिकनाई नहीं होगी तो घुटने नहीं चलेंगे, गर्दन ऐसे भी नहीं होगी, उंगलियां ऐसे नहीं चलेंगी, चिकनाई तो चाहिए। आपके शरीर से सारी चिकनाई अगर निकाल देना तो आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा, चिकनाई तो चाहिए। आपकी आंखों में ये जो चमक होती है, चेहरे पे जो चमक होती है, चेहरा लाल सुर्ख रहता है, ये सब चिकनाई का प्रताप है। आप सुंदर दिखते हैं ये सब चिकनाई के कारण है, चिकनाई तो चाहिए। कौन सी चिकनाई चाहिए? डालडा वाली, रिफाइंड ऑयल वाली नहीं चाहिए। तो अच्छा शुद्ध तेल खाते रहो, बहुत अच्छा, शुद्ध घी खाते रहो, गुड़ का दूध पियो, गुड़ से लस्सी पियो, गुड़ में दही, दही गुड़ के साथ खाओ, तो कफ ठीक हो जाए। बस इतना ही निवेदन है कि जब आप गुड़ खरीदना तो सफेद रंग का मत खरीदना। ये जो सफेद सफेद गुड़ आ रहा है ना, ये सब निरमा वॉशिंग पाउडर से बनता है, बहुत खराब है।
तो गुड़ कौन सा लेना? लाल लाल लेना, जो लाल रंग का है, जो गहरे काले रंग का है, देखने में जो गुड़ खराब लगता है ना, खाने में अच्छा है, वो गुड़ ले। और एक गुड़ की शक्कर भी आती है, देखिए आपने गुड़ शक्कर, वो बहुत अच्छी है। मिश्री खा लो, मिश्री आती है, धागे वाली मिश्री आती है ना, वो भी अच्छी। चीनी बंद कर दो, चीनी बंद करते ही सबका मोटापा खत्म हो जाएगा, आप करके देखो। बहुत लोग हैं योग प्राणायाम करते हैं और कहते हैं जी वजन कम नहीं हो रहा हमारा, कहते हैं 4 साल हो गया, 5 साल हो गया प्राणायाम कर रहे हैं, वजन कम नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ चीनी छोड़ी कि नहीं? उन्होंने कहा चीनी तो खा रहे हैं। मैंने कहा फिर तो नहीं होगा, चीनी छोड़ोगे तभी वजन कम होगा। योग प्राणायाम करके आप थोड़ा वजन कम करते हो, फिर चीनी खा के उतना ही बढ़ जाता है, तो वैसे का वैसे ही चलता रहता है खेल। चीनी छोड़ दो, सब वजन कम कर देगी आपको। और गुड़ 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ाता, देखो क्या भगवान की लीला है। गुड़ से 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ता और चीनी बहुत खराब। मैं गुड़ और चीनी का अंतर बताना चाहता हूं आपको, सरल भाषा में, सरल तरीके से आपके समझ में आए। आप खाना खाओ और पीछे से थोड़ा गुड़ खाओ, तो आपने जितना खाना खाया ये गुड़ आपके खाने को 4 घंटे में हजम कर देगा, थोड़ा सा गुड़। लेकिन गुड़ खा लो तो 2 घंटे पहले ही हजम हो जाता है, गुड़ इतने अच्छे से खाने को पचाता है। अब इसका उल्टा है, आप खाना खाओ और 1 चम्मच चीनी खा लो, तो ये 1 चम्मच चीनी पूरे खाने को 8 घंटे हजम नहीं होने देगी, और इस 1 चम्मच चीनी को हजम करने में पूरा खाना खत्म हो जाएगा। खाने की जितनी एनर्जी है ना, वो 1 चम्मच चीनी को पचाने में खर्च हो जाती है, इतनी खतरनाक है चीनी। और वैसे भी बहुत महंगी हो गई है आजकल चीनी, क्यों दिमाग खराब करें अपना चीनी खा के। निकालो घर में से इस चीनी को, गुड़ ले आओ, सस्ता है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है जी। गुड़ महंगा है? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो आप ऐसी बात कह रहे हो, सारे देश में मैं घूमता हूँ, गुड़ है 15 से 18 रुपए किलो, खांड है 40 रुपए किलो। आपके यहाँ गुड़ 40 है? तो भी मैं आपसे, शायद इसलिए कि यहाँ गन्ना कम होता है, हाँ ये है, ये बात है कि यहाँ गन्ना कम होता है। चलो ठीक है, फिर भी 40 रुपए किलो का गुड़ ही आपके लिए अच्छा है चीनी की तुलना में। चीनी तो सफेद जहर है, व्हाइट पॉइजन। तो ये 3 बड़े काम कर लो अपने घर में, और एक दो छोटे छोटे काम कर सको तो बहुत अच्छा है। एक काम ये करना कि कभी भी खाना खाने के बाद पानी मत पीना 1 घंटे तक, तो जिंदगी भर वात पित्त कफ ठीक रहेगा। खाना खाते ही पानी मत पीना। आप बोलोगे जी क्यों नहीं पीना? इसलिए नहीं पीना कि जब आप खाना खाते हो ना, तो पेट में खाना सब इकट्ठा हुआ तो पेट में आग जलती है खाने को पचाने के लिए, उसको कहते हैं जठर अग्नि, जठर अग्नि। ये पेट में है, अग्नि है, आग है, खाना खाते ही जल जाती है। अब जब खाना खा लिया, आग जल गई, उसी समय आप घटाघट पानी पीते हो तो आग सब शांत हो जाती है, फिर खाना हजम नहीं होता, फिर खाना पड़ा पड़ा सड़ता है, उसमें से विष पैदा होता है और उस विष में से 103 बीमारियां आती हैं। इसलिए खाने के बाद पानी मत पीना कभी, 1 घंटे बाद पीना। तो आप बोलोगे प्यास लगे तो क्या पीना? अगर खाने के बाद प्यास लगे तो लस्सी पियो, या खाने के बाद प्यास लगे तो दूध पियो, पानी 1 घंटे बाद। दोपहर को खाना खाया प्यास लगी तो लस्सी पी लो, शाम को खाना खाया प्यास लगी तो दूध पी लो, पानी 1 घंटे बाद ही पी लो। इस नियम से जिंदगी भर वात पित्त कफ आपका संतुलित रहेगा, क्योंकि जो खाया है वो ठीक से हजम होगा, और जो खाया हुआ ठीक से हजम हो तो फिर उसी में से रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, वीर बनेगा, शुक्र बनेगा, सब कुछ उसी में से बनने वाला है जो खाया हुआ है, अगर वो ठीक से हजम होता है तो।
और अगर हजम नहीं होगा खाया हुआ ठीक से तो विष बनेगा और फिर दुनिया भर के रोग आने वाले, इसलिए खाने के एक घंटे बाद पानी पियो। पानी हमेशा घूट घूट करके पिया करो, एक घूट पानी पिया थोड़ी देर रुके, फिर एक घूट पिया फिर थोड़ी देर रुके, फिर एक घूट पिया फिर थोड़ी देर रुके, ऐसे पानी पीने की आदत डाल। ये घटाघट पानी पीना ठीक नहीं है। आप बोलोगे क्या नुकसान है, जब हम घटाघट पानी पीते हैं ना तो सारा पानी बहुत जल्दी नीचे उतरता है, तो मुंह की जो लार है उसको पानी से मिलकर अंदर जाने का समय नहीं मिलता, और ये मुंह की लार ही है जो तेजाब को शांत करती है पेट के। और घूट घूट पानी पियो तो मुंह की लार पानी के साथ अच्छे से मिलकर अंदर जाती है और लार तेजाब को शांत करती है, और जिनके पेट का तेजाब शांत होता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आते। तो आप जिंदगी भर निरोगी रहोगे, पानी घूट घूट पियो। आपने देखा है सारे पशु पक्षी इस नियम का पालन करते हैं पानी घूट घूट पीने का। कुत्ते को देखो पानी चाट के पीता है, चिड़िया को देखो एक एक घूट पानी पीते, एक बूंद पानी का लेगी फिर चोंच चलाएगी फिर पिएगी फिर एक बूंद लेगी फिर चोंच चलाएगी। गाय को देखो, बैल को देखो, बकरी को देखो, सब घूट भर के पानी पीते हैं। मनुष्य है जो घटाघट पानी पीता। मैंने आज तक किसी चिड़िया को ओवरवेट नहीं देखा, किसी पक्षी की तौंद बाहर नहीं निकलती, पेट नहीं निकलता। ये सारी खुराफात आदमी के ही साथ। ये मनुष्य सोचता तो है कि मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन है मूर्ख। होशियार तो पशु पक्षी है जो इस नियम का पालन करते हैं। आप पशु पक्षियों को देखो खाने के साथ कभी पानी नहीं पीते, पिला के देखो। गाय खाना खाएगी उसके सामने पानी रख देना, वो देखेगी भी नहीं पानी, खूब अच्छे से खाना खाएगी, दो तीन घंटे बैठकर जुगाली करेगी फिर पानी पिएगी। भैंस को देख लो, खुद कहे वहां अपने क्या तकलीफ है। ये दो नियम कोई भी पालन करे, खाने के एक घंटे बाद पानी और पानी घूट घूट, जिंदगी भर निरोगी रहेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं। और एक तीसरा नियम है, सवेरे जब आप सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पिया करो। दांत नहीं साफ करना, कुल्ला नहीं करना, मंजन नहीं करना, पहले पानी पीना, उठते ही पानी पीना, बासी मुंह पानी पीना। क्यों? रात भर की जो लार मुंह में जमा है ना, उठते ही पानी पियोगे सब अंदर जाएगी, और सवेरे तेजाब बहुत बनता है पेट में, तो लार पेट में गई तो तेजाब शांत हुआ। और एक फायदा है, सुबह उठते ही पानी पियो तो पेट बहुत साफ होता है, सारा मल कचरा बाहर निकल जाता है। और जिनका सवेरे एक बार पेट साफ हो जाए ना, जिंदगी भर वो निरोगी रहते। और एक आखिरी नियम याद रखना, ठंडा पानी कभी मत पीना, फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, ये जहर है, कभी मत पीना। ये ठंडा पानी पीते ही पता बहुत बड़ी तकलीफ होती है पेट में। क्या होता है, पेट तो गर्म है, पानी ठंडा है, तो गर्म पेट में आपने ठंडा पानी डाल दिया, अब पेट इस पानी को गर्म करता है, नहीं तो पानी पेट को ठंडा कर देगा, और पेट ठंडा हुआ तो हृदय ठंडा, हृदय ठंडा मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा आप भी ठंडे, आप ठंडे तो राम नाम सत्य। जैसे ही आप ठंडे होंगे ना, घर से निकाल के बाहर रख देंगे सड़क पे, आपको घर में नहीं रहने देंगे। जो घर आपने बनाया लाखों करोड़ों का, उसमें ही नहीं रहने देते आप, निकाल के बाहर कर देते। और जब तक शरीर गर्म होता है ना, लिपट चिपट के रोते हैं, और जैसे ही शरीर ठंडा हुआ दूर से ही प्रणाम करते हैं, छूते भी नहीं फिर उस शरीर। आप देख लो, ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है, शरीर ठंडा होते ही बेइज्जती शुरू हो जाती है, और फिर चिल्लाना और शुरू करते हैं, जल्दी लेके जाओ जल्दी लेके जाओ जल्दी लेके जाओ, पता नहीं क्या आफत आ रही है। अरे रहने दो भाई, दो चार दिन उसको घर में, उसी का घर है, उसी ने बनाया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं रहने देते घर में। तो आप सोचो, ठंडे शरीर की इज्जत नहीं, तो पानी क्यों पी रहे हो ठंडा, मत पियो।
बाद में बताए क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं बहुत ठंडा, पेट तो गर्म है, पेट पानी को गर्म करता है। अब पेट पानी को गर्म करेगा तो पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए गर्म करने के लिए। तो सारे शरीर में जो खून है ना, वो पानी को गर्म करने के लिए पेट में आता है, क्योंकि खून ही गर्म है और तो कुछ है नहीं गर्म शरीर में। तो खून गर्म करेगा पानी को तो सारा खून पेट में आएगा। तो खून की कमी मस्तिष्क को हो सकती है, हृदय को हो सकती है, उसी में चला जाएगा आदमी, मत पीना ठंडा। मैंने देखा ठंडा पानी पीने वाले लोगों को, अमेरिका में बहुत लोग ठंडा पानी पीते हैं। मैं पहली बार जब अमेरिका गया तो मैंने देखा वहाँ के लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं, 4-5 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं, ऐसे ठंडा पानी पीते हैं। फिर मैं देखता था उनको कि इनकी तकलीफ क्या है, इतना ठंडा पानी पी रहे हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम है। तो उनकी प्रॉब्लम एक दिन मेरे पकड़ में आ जाए, सारे अमरीकी टॉयलेट में 1-1 घंटे बैठते हैं संडास कर, कोई 1 घंटा बैठेगा, कोई 1.5 घंटा बैठेगा, कोई 2 घंटे बैठता है। फिर मैं पूछता था उनको कि तुम करते क्या हो टॉयलेट में 1-1 घंटे 1.5 घंटे, वो कहते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों भाई, कहते हैं टट्टी नहीं आती, इंतजार करना पड़ता है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्यों नहीं आती टट्टी? मैंने उन पर बहुत रिसर्च किया, इनका चक्कर क्या है, तो देखा कि उनकी जो बड़ी आंत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सभी की बंद है, संकुचित है। ये बड़ी आंत होती है ना पेट में, जिसमें से मल निकलता है, वो ऐसे खुली होती है पाइप के जैसे, लेकिन अमरीकियों की वो ऐसे है, बंद है। और ये ठंडे पानी से हुई है, और जब ये बंद हो जाएगी तो मल निकलेगा कैसे? तो बहुत ताकत लगाते हैं वो, फिर भी नहीं निकलती। वो बेचारे कभी कभी तो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और जब ज्यादा तकलीफ होती है ना, तब दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आ जा, फिर भी नहीं आएगी। ये समस्या है ठंडे पानी। फिर इनको मैंने देखा अमरीकियों को, वो पूछते थे कराची, भाई आप बताओ क्या करें, योग करें प्राणायाम करें? मैंने कहा तुम खाली गर्म पानी पियो बस, योग प्राणायाम बाद में करना, पहले गर्म पानी। तो जो गर्म पानी पीना शुरू करे उसी का ठीक हो जाता, 3-4 दिन में पेट साफ होने लगता है, उनके सारे के सारे तकलीफें। अब आप जानते हो जब टट्टी नहीं उतरेगी, मल नहीं उतरेगा, तो कब्जियत होगी, और एक कब्जियत 100 बीमारियों का घर है, माने 100 बीमारी आएगी जब कब्जियत आती है, गर्मी होगी, और जब सर्दी आएगी तो गर्म पानी पीना। तो ये 4 तो छोटे नियम, पानी खाने के 1 घंटे बाद पानी घूट घूट भर के पीना, सुबह उठते ही पहले पानी पीना, और ठंडा पानी नहीं पीना। ये 4 नियम जो पालन करे जिंदगी भर सुखी रहेगा, निरोगी रहेगा। और 3 नियम बड़े बताए, तेल शुद्ध खाओ तो वात का रोग नहीं, और चीनी बंद करके गुड़ खाओ तो कफ का रोग। अब एक नियम मुझे और बताने के लिए कहा गया कि खड़े होकर पानी मत पीना कभी। ऐसे 7,000 नियम है आयुर्वेद में, मैंने तो 3-4 ही बताया है। खड़े होकर पानी नहीं पीना, हमेशा बैठ के पानी पीना। खड़े होकर पानी पीने का दुष्परिणाम बहुत है, क्योंकि खड़े होकर पानी जो जाता है ना शरीर में, तो ये ग्रेविटी है ना, भूमि का गुरुत्वाकर्षण बल, वो पानी को चूंकि तेजी से नीचे खींचता है, तो पानी जो है जाना चाहिए पूरे शरीर में, वो नीचे चला जाता है सीधे मूत्र पिंड में। और पानी तो बहुत बड़ी दवा है, औषधि है, तो शरीर के बाकी अंगों को ना मिलके सीधे मूत्रपिंड में गया तो गड़बड़, तो शरीर के सब अंगों में जाना चाहिए, फिर अंत में मूत्रपिंड में आना चाहिए। खड़े खड़े जो पानी पीते हैं वो सीधे मूत्रपिंड में जाता है, वो गड़बड़, बैठ के ही पीना चाहिए। चले आगे बढ़े, ये तो हुआ कि जीवन में सबसे आसान तरीका, लेकिन कभी कभी कोई बीमारी आ जाए तो अपने घर की जो दवाएं हैं इनका उपयोग करो। भगवान की बनाई गई आयुर्वेद की दवाएं अपने घर में हैं,
इनका उपयोग करो, इससे हर बीमारी ठीक होती है। आपको हैरानी होगी जान के कि आपके घर में कम से कम 108 दवाएं जीरा है, धनिया है, हल्दी है, तेजपत्ता है, दालचीनी है, काला नमक है, सेंधा नमक है, देशी गाय का घी है, दही है, छाछ है, मक्खन है, मिश्री है, गुड़ है, सूंठ है, अदरक है, काली मिर्च है, ऐसी 108 दवाएं सब घर में है। इन दवाओं से हर बीमारी ठीक होती है, बस पता नहीं हमें। शरीर के सब अंगों में जाना चाहिए, फिर अंत में मूत्रपिंड में आना चाहिए। खड़े खड़े जो पानी पीते हैं वो सीधे मूत्रपिंड में जाता है, वो गड़बड़, बैठ के ही पीना चाहिए। चले आगे बढ़े। ये तो हुआ कि जीवन में सुखी कैसे रहे, निरोगी कैसे रहे, रोग मुक्त कैसे रहे, इसका सबसे आसान तरीका। लेकिन कभी कभी कोई बीमारी आ जाए तो क्या करें? तो अपने घर की जो दवाएं हैं इनका उपयोग करो। भगवान की बनाई गई आयुर्वेद की दवाएं अपने घर में हैं, इनका उपयोग करो, इससे हर बीमारी ठीक होती है। आपको हैरानी होगी जान के कि आपके घर में कम से कम 108 दवाएं हैं। जीरा है, धनिया है, हल्दी है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, काला नमक है, सेंधा नमक है, देशी गाय का घी है, दही है, छाछ है, मक्खन है, मिश्री है, गुड़ है, सूंठ है, अदरक है, काली मिर्च है, ऐसी 108 दवाएं सब घर में हैं। इन दवाओं से हर बीमारी ठीक होती है, बस पता नहीं हमें। आपके घर में कोई भी बीमारी आए तो अपने घर की दवाएं इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी। एक तो साइड इफेक्ट नहीं इन दवाओं का, दूसरा ज्यादा खर्चा नहीं होता, और भगवान की बनाई हुई है, आदमी का इसमें कोई हिस्सा नहीं। और इन दवाओं की सबसे आसानी से उपलब्धता है हर घर में, करोड़पति हो या अरोड़पति, सबके घर में ये दवाएं। मैं कुछ दवाएं बताता हूं, आप हमेशा उनका उपयोग करो। जैसे डायबिटीज है किसी को, घर में इसकी दवा है। डायबिटीज की क्या दवा है? मेथी का दाना, इसको बनाओ पाउडर, पीस के बना लो पाउडर। फिर है जामुन की गुठली, जामुन का फल है, जामुन तो खा लो, गुठली को सुखा लो धूप में और उसको पीस के पाउडर बना लो।